Now, the speculation over whether the BJP will be naming its prime ministerial candidate continues to build. The JDU is likely now to issue its final ultimatum to the NDA, demanding a clarification on the PM candidate. Sources in the party are telling us that the JDU executive and the national meetings are set for the weekend, and they will be making it now plain to the BJP that it would not indefinitely put up with ambiguity on the leadership issue. So the big question now is, will the BJP manage to placate its ally? देखिए, जनता दल यूनाइटेड एनडीए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. उसके साथ ही साथ वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी भी है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी में के रूप में अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में वो क्या कहते हैं, उसका क्या उनका राजनीतिक अर्थ है, उस पर हमें टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है. जब एनडीए की बैठक में एनडीए के साथ बैठ करके कोई फैसला होगा, उस फैसले को सभी लोग मानेंगे. इसमें कहीं कोई इफ एंड बट का सवाल ही नहीं पैदा होता. लेकिन वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, अपनी पार्टी के सम्मेलनों में क्या प्रस्ताव पास करते हैं, क्या विषय लेते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ये उनका अपना अधिकार है. उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार भी है, राजनीतिक अधिकार भी है. अब आप लोग दबाव बनाने वाले हैं कि डिक्लेयर किया जाए? अभी तो होने वाली, उसके पहले कोई सवाल ही नहीं. मतलब ये क्योंकि बार बार जो है मोदी जी का नाम. नहीं नहीं, वो चाहे उससे कोई वास्ता हमारा नहीं. अभी तो राष्ट्रीय समिति हो रही, उसमें प्रस्ताव बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं. बेसिकली ये है कि इस समिति की बैठक में ये फाइनल होगा कि आप लोगों का क्या रुख रहता है. नहीं, ये भी कैसे कर सकते, ये भी बोल नहीं सकते. मतलब किस तरीके का मतभेद नहीं है, मतलब एनडीए और यूपीए बीजेपी और मतभेद की कहां सवाल है? अभी दी फंडामेंटल पोलराइजेशन or the fundamental fault line in this country is and has always been secular qua communal. Now these voices have started emanating from within the National Democratic Alliance, if one would go by the story published in one of the papers with regard to the JDU. I think the time has come for other constituents of the NDA also to make it clear whether they believe in a secular or and pluralistic vision of India, or they would like to stand by forces which are fundamentally communal and sectarian.